श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12। इस अध्याय का शीर्षक है सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहां तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र रची, किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे तो जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपने क्रोध को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रोकर कहने लगे, जगत पिता, विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे, तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो इतनी भयंकर है कि दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भी भस्म कर डालेगी, अतः ऐसी सृष्टि अब और न करो, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोकों की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष
और दसवें थे महर्षि नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं भगवान नारायण अवतीर्ण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, जिससे संसार को भयभीत कर देने वाला मृत्यु उत्पन्न। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भावों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निवृत्ति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं, उसी समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। इसके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, उर्ध्वर्यु और ब्रह्मा, इन चार ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, शाम और अथर्व वेदों की रचना की तथा इसी क्रम से शस्त्र, इज्ज्या, स्तुति स्तोम और प्रायश्चित, इन चारों की भी रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम में खोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्ठोम, आपतोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और व्रतियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्म और वृहत, ये चार व्रतियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंच, ये चार व्रतियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानश, वालखिल्य
औदुम्बर और फेनप, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से ही उत्पन्न हुई है तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिपुट, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से व्रहति छंद उत्पन्न हुए। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण और बल को अंतास्थ कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, खड्ज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये सात स्वर उत्पन्न हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से व्यक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन 3 कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।